नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां एक और लोकसभा चुनाव के बाद से पूरी दुनिया में केवल मोदी के चर्चे हैं, वहीं पाकिस्तान इस बात से थोड़ा डरा हुआ नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी अखबार द डॉन में पत्रकारों ने कुछ ऐसा संपादकीय लिखा है जिसके बाद इस बात कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान नसीहत देने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कहे कि शायद गुहार लगाने की कोशिश कर रहा है भारत से। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है वो संपादकीय जिसमें पत्रकारों ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से पाकिस्तान को काफी आश्चर्य हुआ है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो धार्मिक घृणा और सांप्रदायिक राजनीति को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके लड़ा गया है। इस बात को भूला नहीं जा सकता कि पीएम मोदी का पूरा चुनाव प्रचार मुस्लिमों और पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था। अब समझ में आया कि पिछले कुछ सालों से जो ये इनटॉलरेंस का कीड़ा लोगों के दिमाग में घर कर रहा है वो आखिर आया कहां से था। एक बार फिर पाकिस्तान इस इनटॉलरेंस के मुद्दे को मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा है और किसी भी तरह चाहता है कि भारत में जो शांति बनी है उसे भंग किया जा सके। डॉन ने आगे लिखा है कि इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव को न सिर्फ केवल बढ़ाया है बल्कि चुनाव में इसका पूरा फायदा भी उठाया है। अब गौर करने वाली बात है कि इसके पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान ने बड़ी बार शांति लाने का प्रयास किया है बिल्कुल, और भारतीय जनमानस की भावनाएं भड़काने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक तक के आदेश दिए, एयर स्ट्राइक के आदेश जबकि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को खत्म करने के लिए दिए थे। इससे पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन चुनाव के नतीजे के बाद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। द डॉन ने लिखा है कि शांति केवल तभी मुमकिन है जब पीएम मोदी पाकिस्तान से इस बारे में वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने पहले भी कई बार विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत से वार्ता की मेज पर आने की अपील की है, लेकिन हर बार भारत इसको ठुकराते आ रहा है। यह बात अखबार में लिखी है। गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ सालों से भारत हमेशा डिफेंसिव मोड में नजर आया था। जब कांग्रेस का रूल था तब हमेशा भारत डिफेंसिव मोड में ही रहा है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब मोदी सरकार बनी, तब भारत एक नए रूप में देखने को मिला जिसमें भारत एक एक्टिव मोड में, प्रोएक्टिव मोड में नजर आया। लेकिन अब नजर आ रहा है कि इस बात से पाकिस्तान थोड़ा डरा हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान शांति की गुहार लगा रहा है, क्योंकि इससे साफ ये चीज नजर आ रही है कि भारत से पाकिस्तान डरा हुआ है। अब गौर करने की बात है कि जब भारत डिफेंसिव मोड में था तब पाकिस्तान बड़े ही दहाड़े मारता था, लेकिन अब जब भारत प्रोएक्टिव मोड में आ चुका है तब पाकिस्तान डरा सहमा शांति की गुहार लगा रहा है। इससे तो यह बात साफ होती है कि पाकिस्तान शेर बनकर जो दहाड़े मारता था असल में तो केवल एक शेर की खाल ओढ़े भीगी बिल्ली था, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए एक शेर की तरह दहाड़े मारता था। इसमें आगे कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि मोदी इस कार्यकाल में उन कट्टरवादी हिंदू संगठनों पर लगाम लगाएंगे जिनके निशाने पर भारत के अल्पसंख्यक या मुस्लिम रहते आए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी इस कार्यकाल में सही मायने में क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए काम करेंगे। ये तो बड़ी ही विडंबना है कि यह बात पाकिस्तान कर रहा है। यह तो वही बात हुई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने कई कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों को अपने देश में पनाह दे रखी है जो पूरे पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रहे हैं। विचार करने की बात है कि नफरत और धार्मिक कट्टरता के आधार पर जिस मुल्क का जन्म हुआ है वो आज भारत को इस चीज पर नसीहत देने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करें पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों की, जहां पाकिस्तान अल्पसंख्यकों की संरक्षण के लिए बात कर रहा है, वहीं अगर हम पाकिस्तान के अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं की अगर बात करें तो वहां पर जब पार्टीशन हुआ था तब 1947 में करीब 15% हिंदुओं की जनसंख्या पाकिस्तान में थी, लेकिन अभी वो घटकर केवल 1.5% हो चुकी है। वहीं अगर हम भारत में अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की बात करें तो यहाँ पर लगातार मुसलमानों का स्तर, मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे यही बात साबित होती है कि कौन किस देश में कितना सुरक्षित है। और आज अचानक इतने साल बाद पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों की चिंता क्यों होने लगी, क्या है इसके पीछे की वजह?
वही अगर बात करें तो पाकिस्तान, फिर से लेना पड़ेगा पूरा, इस तरह के बयान देने से पहले पाकिस्तान को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि भारत इस दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम अल्पसंख्यक देश बन चुका है और यहाँ पर मुस्लिम बाकी देशों से सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो पाकिस्तान जो इस तरह के बयान दे रहा है बिना स्टडी किए, वो इस बात को समझ ले कि ऐसी बौखलाहट में दिए हुए बयान कभी भी सच साबित नहीं हो सकते। और जरा अपनी बौखलाहट को थोड़ी कम कर और अपने देश की तरक्की की तरफ अगर अपना ध्यान लगाया जाए तो उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अखबार जगत। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अखबार जगत।